टोटल चार टर्म कम बैक के यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी हमें प्लस टू। चलिए देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, प्लस टू। ऐसे हम इसकी ऑब्जेक्टिव फिर कैसे निकाल सकते हैं, सेकेंड मेथड से जो मैं बोला मैंने आपको, ये क्या है कि ये कैसे एडजस्ट करता है एक बार, तो यहाँ से प्लस प्लस में एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स जैसे यहाँ आ सकते हैं, तो इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज है, तो फिलहाल टोटल चार्ज क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू प्लस टू, यहाँ से भी प्लस टू है यहाँ पे, तो इससे हम देख सकते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर मेरे कार्य की ऑब्जेक्टिव स्टेट की अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है प्लस टू ऑब्जेक्टिव स्टेट में है, जब हम इसका कॉन्फिगरेशन देखते हैं सिंपल मैग्नेटिक का, तो वो होता है आर पर टू डी फाइव एंड फोर डॉट सिक्स। जब हम एम एंड डब्ल्यू का कॉन्फिगरेशन देखते हैं तो वो अपना हो जाएगा टू डी फाइव, ठीक है। तो अब क्या है कि जो अपना थ्री मीडियम है वो क्या करवाता है, वेरिएबल करवाता है, तो जो अपने ऑर्बिटल करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अपना सीएम वैल्यू होता है वो होता है टर्म, तो इसकी वजह से यहाँ पे देखते हैं वेरिंग, वेरिंग होने का मतलब है क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा वन, पहले तो हमने लेक्चर पहले तो हम क्या बोलते थे कि पहले इतने लेक्चर के बारे में इतनी थी ऐसे करेंगे, लेकिन जब यहाँ पे लीजिए मतलब वेरिंग करवाएगा तो पहला लेक्चर मुझे इतनी दो वाली है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो कितना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है मतलब अभी यहाँ पे हमने बोला था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होगा, अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो अपना कॉम्प्लेक्स बना है वो आउटर ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल है, तो यहाँ से देखो आना है कितने इलेक्ट्रॉन को सिक्स पी एम इवेंट को आना है, तो एक यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन दे जाने होंगे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, तो जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी ऑर्बिटल दो बस डी टू ऑर्बिटल होगी एक एस का और टी का, जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो अपना कॉम्प्लेक्स होता है उल्टा हो जाता है। फिर उसके बाद ये सेकेंड हमें क्या देखने को मिलते हैं, जो कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन है और जो अपने डी ऑर्बिटल यूनिट हुए हैं ना वो इन एंड वाले हुए हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं इन एंड ऑर्बिटल, अब इन सब में नहीं करता है। तो जो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, तो जो इसमें अपना एक्स ही है ना, इसमें इतने जो चीज कैसे निकालेंगे, जिसमें जो निकालनी होती है उसको एक्स प्लस में, एक्स टू होता है एक न्यूट्रल लिगेंड, सिक्स से मल्टीप्लाई में जीरो इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज इज ऑन कॉम्प्लेक्स को प्लस, तो जितने भी इसके चीज इसके चार्ज इज प्लस प्लस, फिर जो एक्स का कॉन्फिगरेशन देखते हैं तो आई प्लस प्लस टू आते हुए अपने के लिए जाएंगे तो एक्स अब हमें पता है कि जो अपना एक्स टू होता है वो अपनी कोऑर्डिनेशन में पता है कि कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं कौन से वीक होते हैं, तो जो अपना एक्स टू होता है वो लिगेंड में होता है, माफ कर दीजिए यहाँ पे यूनिट के लिए इसको लिगेंड में इसको लिगेंड में इसको लिगेंड में तो एक्स टू लिगेंड में क्या करने के लिए कि कोई चेंजेस नहीं कर रहा है, तो ये अपना टेबल ये अपना टेबल ये अपना स्ट्रॉन्ग अपना फॉर हमें इलेक्ट्रॉन कितने निकालने हैं और कोई चेंज होगा आना है जिसको सिक्स और फोर मिल गए, तो एक एस टू ऑर्डर मिल सकते वन एस टू मिल सके वन एस टू मिल सके वन मिल सके वन मिल सके, तो जो अपनी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो क्या होगी क्या होगी, अपनी जो मैट्रिक होता है सर, लेकिन यहाँ पे जो दो डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं वो बाहर वाले डी ऑर्बिटल यूज होने के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने फर्स्ट में मिला था कि फोर्थ में, यहाँ पे भी देखो वन टू थ्री एंड फोर, तो यहाँ से जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे फोर, ठीक है। अब हम चलते हैं फाइव एंड यहाँ पे देखते हैं कि हमने फोर जो टोटल चार्ज